और हमसे बात करने के लिए। बजट से पहले बिग एंड बोल्ड ट्रेड कॉल्स बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़े हैं केडियानोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। सुशील, गुड मॉर्निंग। आज के बिग एंड बोल्ड कॉल्स क्या रहेंगी? देखिए, बिग एंड बोल्ड तो बाजार बना देता है कॉल्स को, कुछ रॉन्ग भी होते हैं। तो अगर मैं आपकी जो चहेती बातें हैं रॉकेट कॉल से शुरू करूं, तो जी इंटरटेनमेंट अब एक ऐसे स्तर पे आ गया है और ये डिलीवरी का ही सौदा करने लायक, और इस वक्त खुशकिस्मती है कि फ्यूचर्स में है नहीं तो लोग गलती नहीं करेंगे। ये 240-45 का जी मेरे को लगता है 360 झटके में आ सकता है। अब चार्ट के पैटर्न वैसे बन गए हैं और कॉर्पोरेट अनिश्चितताओं को जितना ज्यादा बढ़ना था वो बढ़ चुकी है, यहां से कमी है। दोनों पक्ष जो साइबर रैटलिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं सुलह होगी, उसके पीछे पीछे 30-35% ये डिस्टीवी भी उछल जाए। और एक जो एमटार टेक का शेयर, हम आपसे 15 दिन पहले भी बात कर चुके हैं, हमारे निवेशक उन्हें, हमारे क्लाइंट्स उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं, अब आज उसमें तगड़ा ब्रेकआउट आ गया है, तो मुझे लगता है 3300 की चाल अब एमटार टेक में शुरू हो गई। तो ये कुछ रोचक से 30-40-50% फटाफट बढ़ने वाले शेयर्स मैंने आपको बताए, शेयर्स और भी हैं। सुशील जी, एक जो शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स हैं उनमें आपका काफ़ी पॉजिटिव व्यू रहा है। अब ये एंजल वन जैसे स्टॉक्स हैं, मोतीलाल, ईडलवाइज, IIFL, इनमें क्या व्यू बन रहा है आप? तो देखिए, जब मोतीलाल ओसवाल 500 पे था तो मैं वीरू जितनी कविताएं तो नहीं कर पाता, मैंने कबीरदास जी का दुहाई सुनाया था आपको, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो अब अगर मोतीलाल ओसवाल की आप चार्ट को देखोगे तो ये इस दोहे पे एक लाइन अब आप ऐड कर सकते हो कि मोती जब मिल गया तो माल बेच के पैसा घर में करना सीख। ठीक है, तो मोतीलाल ओसवाल 500 का 1500 के ऊपर चला गया, 1600 तक चला गया और अब ये चार्ट यहाँ पे बिल्कुल भारी है। मार्केट की गर्मी के साथ 100-200 और बढ़ भी गए तो कोई असंभव बातें नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बॉटम और टॉप तो कोई जीनियस ही पकड़ सकता है। पर अगर मैं साल भर का दृष्टिकोण इन पे लूं तो यहां बेचने वाले आदमी को बहुत ज्यादा नीचे वापस ये सारे ब्रोकरेज के स्टॉक्स मिल जाएंगे, चाहे JM फाइनेंशियल हमने दिलाया, IIFL, एडलवाइस, एंजल वन, तो सब में मोटा करेक्शन है। और एडलवाइस और IIFL कोई बहुत ही नीचे चलेगा साल भर में तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अब मैं इस इन सारी चार्ट्स में बहुत ज्यादा बेरिश हूं। इनके साथ साथ जैसे हमने UTI AMC, HDFC AMC, ये भी जो स्टॉक्स आपको SBI लाइफ, HDFC लाइफ, हम सब पे बेरिश हैं। UTI बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, मुझे नहीं पता क्या अंदर डेवलपमेंट है, चार्ट बहुत ज्यादा बेरिश है। तो इस पूरे नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंस NBFCs में सिर्फ एक अपवाद है कि JioJit थोड़े पुलबैक के बाद अभी भी लेने लायक है, चला ही नहीं, और उसकी चार्ट में ऊपर की जगह है, एक हम उसे लेंगे और एक हम SBI कार्ड जो हमने उसमें लेने की पोजीशन बनाई है पकड़ के बैठे रहेंगे। बस इन दो स्टॉक्स को छोड़ के बाकी जो जी में आए बेचो, पैसा उठाओ टेबल से। अच्छा, ठीक है, मैंने आपका एक बहुत रीजनेबल अप्रोच है, जहां पैसा बन गया वहां से पैसा जो है वो प्रॉफिट्स में कन्वर्ट भी करिए। एक दो स्पेस और जो बहुत मूव दे रहे हैं सुशील जी इस वक्त, लाइक अभी कुछ देर पहले हम GMR एयरपोर्ट्स की बात कर रहे थे, आप रेलवेज को देखिए, IRCTC को देखिए, आप RVNL, IRCON, IRFC को देखिए, आप, मैं ट्रेवल्स और टूरिज्म पे आ रहा हूँ, इंडियन होटल्स को देखिए, कल ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, इंडिगो को देखिए, इस स्पेस में अभी आपका व्यू क्या, अभी भी चेस करना चाहिए, किसको प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? देखिए, ये अंडरलाइन जो इवेंट्स अब हो रहे हैं इनको पहले से एंटिसिपेट करने के लिए ही तो बाजार किसी को रिवॉर्ड करता है, तो सारा संसार होशियार है, ये बातें सबको पता है कि इस तरह का ये माहौल बनेगा और उसी पर तो ये शेयरों के ऐसे भाव बने हैं। तो अब ये कोई यहां से नई एंट्री बनाने के पॉइंट्स नहीं है, टाइम टू टाइम जब जब जैसे सिग्नल्स आएंगे इनको मुनाफा वसूली करना चाहिए, एक नंबर बात, और जब तक वो मुनाफा वसूली करने के बाद भी वो 5% और बढ़ गया, 10% और बढ़ गया, हमें फ्रस्ट्रेट करेंगी ये चार्ट्स। तो देखिए एक चीज हम जो मान के चलते हैं, बाकी लोग माने ना माने, कि इन स्टॉक्स में अगर कल को कोई मार्केट वाइड बड़ा करेक्शन बन गया किसी भी कारण से, तो इतने डिस्ट्रीब्यूटेड आउट आइडिया है, ये हर किसी को पता है कि श्री राम जी का जो मंदिर बन रहा है उससे ये फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा, इधर ये परिस्थितियां, सबको सब कुछ पता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड आउट स्टोरी है। अगला अगर बड़ा मार्केट वाइड करेक्शन आए तो सबसे ज्यादा ये स्टॉक्स गिर सकते हैं, इसलिए टाइम टू टाइम मुनाफा वसूली और देखने का, दोबारा घूम के भाव मत देखिए नहीं तो फ्रस्ट्रेटेड होइएगा। इतनी तेजी के बाजार में आपके बेचने के बाद भी 10% कोई चीज बढ़ जाएगी और उसको लेके फ्रस्ट्रेटेड होंगे
तो कल को 30-40-50% के डाउनसाइड आएंगे तो कैसे संभलेंगे? अच्छा सुशील जी, अभी तक वो स्टॉक्स हम बात कर रहे थे जिन पे ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, 52 वीक हाई लगा हुआ है, इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे हैं, मैं दो स्टॉक्स आपसे पूछना चाह रहा था। एफएमसीजी बास्केट में सब कुछ चला, नेस्टे चला, कोलगेट चला, ब्रिटानिया चला, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज, सीपी, ये मैरिको और डाबर चल के नहीं दिए। अब ये थोड़ा गिरना देखिए थम गए हैं काफ़ी समय से इस रेंज में, हाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हाँ ये मैरिको और डाबर पे आपका व्यू है कोई इस पर? बिल्कुल, आपसे मैं इसको शेयर करता हूं। देखिए, अगर स्क्रीन पे मेरी पीसीआर चार्ट दिखा पा रहा है अमेरिको की, तो अमेरिको जो बिल्कुल तलहटी पर है, और हमने इस पॉइंट से, ये पॉइंट से एक फोरकास्ट निकाला था 620 का, और यहां तक आने के बाद भी अगर एक ड्रॉप और दे दिया है, एक और नया लो भी आ जाएगा, तो मुझे डाउट कोई बड़ी बात नहीं है। पर स्ट्रक्चरली ये चार्ट यहाँ पे जो है, इसे 5-10 दिन की टाइमिंग करना, चूंकि ये एफएंडो में है, बहुत ही स्वाभाविक है। पर वो न करके समझिए कि स्टॉक ट्रेडिंग के ग्रेड का स्टॉक नहीं है, जिसको डिलीवरी उठा के बैठने वाला 650-700 में आराम से बेच लेगा। और डाबर की चार्ट जो है, मुझे लगता है जितने भी एफएंडो के स्टॉक्स, उनमें सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण चार्ट पिछले 10 साल की रही है, तो ये रही है। ये कोई भी ट्रेंड बनने ही नहीं देती, खाली चौपी ओवरलैपिंग मूवमेंट्स आते हैं, तो हमारी क्षमता के बाहर है डाबर के शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को कैलकुलेट करना। और लॉन्ग टर्म में ये सिर्फ एक साइडवेज चैनल में घूम रहा है, साइडवेज रेंज में है, तो मैं इसे अवॉइड करूंगा। पर आपने चूंकि एफएमसीजीज की बात की, एक स्टॉक मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहता हूं, जहां पे हमने भी कुछ दिनों में काफी बड़े बाई कॉल्स को बार बार जनरेट होते देखा। मैंने आपको पिछले भी मंगलवार और उसके पहले कई बार कहा कि मैं एशियन पेंट्स को शॉर्ट नहीं करूंगा। यहां से जो हमने इसकी तेजी का कॉल निकाला 3600 के ऊपर तक चलने का, अब ये एक सेकेंड राउंड ऑफ करेक्शन कंप्लीट होके वापस एक नया बाई ट्रिगर हो गया है, और हम इस रेंज में थोड़ा सा 1-2 दिन रह के 3300, 3040 से 3270-80 तक की रेंज में 2-3 दिन रहने के बाद, ज्यादा से ज्यादा मुझे 3600 की तरफ उछलता लग रहा है। तो ये एक एफएमसीजी की स्पष्ट चार्ट है, जहां तगड़ा स्पष्ट स्ट्रेट ट्रेंड है न्यू हाई की तरफ जाते हुए। अच्छा, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है आप सुशील जी? इस पर बात नहीं हुई अब तक। तो सबसे पहले तो अनुज, आपको जय श्री राम। आपने जो ये निफ्टी का श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तिथि से जो कनेक्शन जोड़ा, वो बड़ा ही खूबसूरत तरीका था सोचने का। थैंक यू। वो तो कल पूरा हो गया। अब ये जो हमारे को हेजिटेशन था, देखिए बहुत सारी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्राइडे मंडे को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखिए, ये जो मोमेंटम का डाइवर्जेंस है निफ्टी की चार्ट, कृपया पीसीआर मेरी चार्ट्स को दिखाएं, लैपटॉप कनेक्टेड है, ये महत्वपूर्ण चार्ट है, इसे दिखाएं जरा। तो जो मोमेंटम लैग कर रहा है, मोमेंटम जो है बाजार का लैग कर रहा है, ट्रेडर के लिए भाव से ज्यादा जरूरी है भाव का मोमेंटम। अब निफ्टी में वो मोमेंटम नहीं है, तो यहां से कोई नई लेवाली करके तुरंत कोई कमा लेगा निफ्टी, ये कठिन लगता है। निफ्टी का खेल अलग है, स्टॉक रोटेशंस में अब जैसे एशियन पेंट्स को हमने पकड़ा, या महिंद्रा एंड महिंद्रा को पकड़ने वाले हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील में 10-12% ऊपर लगता है, तब तक और 8-10 स्टॉक करेक्ट कर जाएंगे, तो यह ज्यादातर रोटेशनल मूव्स लगती है। और एक बार के लिए फिलहाल निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस जो है 22,450 तक है, जाएगा नहीं जाएगा वो देखने की बातें हैं। पर आप एक चीज को सिंपल भाषा में पकड़ो, 7 दिसंबर को निफ्टी का भाव था 21,156, और ये आ गया यहाँ पे 22,000 तक 1 जनवरी को। 1 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक हम करीब करीब 50 पॉइंट प्लस माइनस की रेंज में है, मतलब तो मोमेंटम नहीं है, इसलिए कोई बड़ा कॉल अभी मैं निफ्टी पे नहीं लेना चाहूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी बायस लेके ही बेचने का है, शॉर्ट सेलर के लिए चुनौतीपूर्ण है ये बाजार। हमें बीच में डीवीज में सेल सिग्नल मिला, अपोलो हॉस्पिटल में मिला, पर ये सारे सिग्नल फेल हो जाते हैं। जेएसडब्ल्यू में भी सेल सिग्नल था कि 25% घट जाएगा, 8% घटते के साथ वापस 22 सिग्नल आ गया। तो अभी बाजार तेजी का ही है, बस अब स्टॉक रोटेशंस बहुत सीरियसली होंगे, यही मेरा अनुमान। बैंक निफ्टी हो सकता है 50,000 चली जाए, वो लगाड़ है, उस पर हमने काफी डिटेल वीडियो ट्विटर की ऑडियंस के लिए भी पोस्ट किया, हमारी रिसर्च पीस का और अपने सब्सक्राइबर्स को। और बैंक निफ्टी में जो ट्रेडिशनल ओल्ड स्टॉक्स थे, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और कोटक, ये मुझे तीनों 10% बढ़ते लग रहे हैं, भले ही निफ्टी 22,400 की भरी है। कोटक आपने बोला 10% बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको यहाँ से? 10% इंडिविजुअल स्टॉक्स, कोटक, एचडीएफसी 7-8%, कोटक 10%, 12%, आईसीआईसीआई बैंक 8-9%, ये तीन बढ़ेंगे। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक में करेक्शन हो गया, बंधन बैंक 210 चला गया, आरबीएल 20 रुपया टूट गया, तब भी बैंक निफ्टी 50,000 हो गई।
निफ्टी 22,400 के ऊपर जाए बिना बैंक निफ्टी 50,000 जा सकती है, और जिन स्टॉक्स को सबसे ज्यादा हम डिस्ट्रीब्यूटेड समझते हैं अभी इस वक्त फिलहाल वही सबसे ज्यादा बढ़ते लग रहे हैं। तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा छद्म रचेगा और भागदौड़ करनी पड़ेगी ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के आइडियाज के बीच में। कुर्सी पे आराम से बैठ के पैसे कमाने का समय जो था वो पिछले 6 महीने में चला गया, अब मेहनत मशक्कत का पैसा बचा बाजार। चलिए, मेहनत मशक्कत करके पैसा बनाने में मज़ा भी आता है। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।